हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। दोस्तों, आज हमारा वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ इजी ट्रिक्स के बारे में और क्वेश्चन के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले मैं बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप टीस नेट के एग्ज़ाम 2019 में देने वाले हो तो ये ज़रूर से ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि एक ऐसा ही चैनल है जो ओनली फोकस ऑन टीस नेट। तो आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इफ़ ए बी इजकल टू 6:10, बी सी इजकल टू 4:10, 4:7, फाइंड ए बी सी। तो आपको दो वैल्यू दिए गए हैं ना बी का, तो ए बी सी निकालना है आपको। तो ये पहले फर्स्ट स्टेप से देखिएगा दोस्तों, कैसे किया जाता है इसको सॉल्व। ए बी एंड बी सी, तो ए बी के जगह में आपको क्या दिए हुए वैल्यू, 6:10। ओके, ये ब्लैंक छोड़ दो, नहीं दिया गया ब्लैंक छोड़ दो। और बी सी की जगह क्या दिया गया है दोस्तों, 4:7, ये भी ब्लैंक छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या भरना है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। ये जो बगल में वैल्यू लिखा रहेगा वही बगल में ये भराएगा। 4 इधर लिखा है तो यहाँ पे 4 ऊपर वाला मत भर देना, बगल वाले में जो होगा इन दोनों को इंटू करना है, इंटू कर देना बस। यही फॉर्मूला, एक इजी सा ट्रिक है। इंटू करने से क्या आएगा, 70, 40, 24, फिर 2 से काटेंगे 35, 20, 12, आ गया आपका आंसर दोस्तों। ए बी सी का 12, 20, 35, एक इजी सा ट्रिक्स था दोस्तों। आप इसे जरूर हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करो, देखियो मिलेगा आपको, 100% ये काम करेगा। किसी भी क्वेश्चन में आप सॉल्व करो रेशियो का। तो अब आते हैं फिर, इफ ए बी, आपको इस बार क्या करना है, ए बी दिया हुआ, 3 वैल्यू दिए गए हैं। ए बी का फुल दिया हुआ 3:4, और बी सी कब दिया गया है, ए बी इक्वल टू 3:4 दिए गए हैं, बी सी इक्वल टू 8:9 दिए गए। मैं आपको क्या रूल बताया था, इधर ब्लैंक छोड़ दो, इधर ब्लैंक, इधर क्या भरेगा 4, इसके बगल में क्या 8, आपको इन दोनों को इंटू कर देना है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, 8 3 जो 24, 8 4 जो 32, 9 4 जो 36, ये 2 से कटेगा, 12 16 18, फिर 2 से 6 8 9, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 6:8:9, ए बी सी। तो आपको पूछा क्या गया यहाँ पे, ए इज टू सी क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए 6 है या 9 है, तो ए सी होगा आपका 3, क्योंकि 2 से 3 से कटेगा, 2:3, आंसर इज 2:3। तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर प्रॉब्लम होती कमेंट करना मुझे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।